श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तलाव वाराणसी। आज मैं कक्षा 9 का गृह विज्ञान शुरू करने जा रही हूँ। हमारा पहला अध्याय है गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र में है कि जैसे है, हम इसमें आपको बताएंगे कि गृह विज्ञान अपने आप में व्यापक क्षेत्र यानी विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है। इस विषय में जहाँ एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है तो दूसरी ओर कलात्मक दृष्टिकोण से, जैसे जिन्हें व्यावहारिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं। इसका गृह व्यवस्था के निपुण संचालन तथा परिवार के उत्तम जीवन स्तर से विशेष संबंध है। इसका मतलब है कि मानव जीवन में गृह विज्ञान के माध्यम से ही हमें कई प्रकार की सीख हमें मिलती है कि मानव जीवन मतलब कि परिवार में हमें किस तरीके से किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिक इकाई यह होती है कि हमें समाज की सब आधारशिला तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ गृह का महत्वपूर्ण निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे है कि हम घर में हैं लेकिन फिर भी क्या हमारी सबसे बड़ी सभ्यता क्या है, प्राथमिक इकाई हमारी क्या है, हमारी घर है। हम अपने घर पे ही रह के क्या करते हैं, सभी चीज़ों को सीखते हैं। फिर है गृह विज्ञान का अर्थ। इसमें है गृह विज्ञान का अर्थ में कि गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। इसमें है गृह का अर्थ होता है घर अर्थात निवास स्थान, तथा विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। इन दोनों को मिला के हमारा क्या होता है, गृह विज्ञान का अर्थ। इससे विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आवास तथा स्वच्छता, भोजन, सिलाई कढ़ाई, गृह व्यवस्था, शरीर रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी रक्षा, आय व्यय का बजट बनाना, सदाचार आदि सम्मिलित है। गृह विज्ञान के अर्थ में है कि हम शरीर, इसमें है कि आवास तथा स्वच्छता, रक्षा, आय व्यय का बजट, फिर है भोजन, सिलाई कढ़ाई, गृह की सज्जा, ये सब सारी व्यवस्थाएं हमको किसमें मिलती है, गृह विज्ञान के माध्यम से। गृह विज्ञान की आज विज्ञान की ही देन है कि व्यक्ति कोई भी कार्य आसानी से कर ले रहा है। जैसे हम घर में ही अब क्या करते हैं, विद्युत उपकरण के माध्यम से ही सारे कार्य को आसानी से कर ले रहे हैं। किसी इसमें है कि हम जो भी कार्य करते हैं वह हमारा आसानी से हो जाता है। हमें गृह विज्ञान का अर्थ का मतलब है कि हमें घर के गृह विज्ञान के माध्यम से ही हमें कार्य करने में जो भी कठिनाई होती है, जो भी जैसे है सिलाई हो गया, खाना बनाना हो गया या कोई भी कार्य हो गया, हम घर की स्वच्छता और अपने स्वास्थ्य की कैसे देखभाल करनी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें गृह विज्ञान के माध्यम से ही इन सब चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है। गृह विज्ञान की देन है जो आज हम सब चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मोबाइल का ही है कि वह मतलब कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में हमेशा लगे रहते हैं। यह किसकी देन है, हमारे विज्ञान की ही देन है। फिर है हमारा है गृह विज्ञान की परिभाषा। गृह विज्ञान की परिभाषा में अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट अंग है, जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अगर हम अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ ने कहा है कि हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जैसे है अगर आय जितना आय आ रहा है, व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्णता, जैसे है कि हम लोग
भोजन करते हैं तो स्वच्छता से करते हैं, अगर कोई भी कार्य होती है करते हैं तो उसमें क्या होता है पूरी रुचि के साथ, जैसे हम लोग भोजन है बनाते हैं तो क्या करते हैं उसमें पूरी रुचि पूर्णता के साथ करते हैं। और वेशभूषा मतलब वस्त्र भी हम लोग धारण करते हैं तो भी क्या करते हैं पूरी रुचि पूर्ण उसमें बहुत अधिक रुचि रहती है। चुनाव फिर इसके बाद है हमारा है गृह विज्ञान, वह पारिवारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। गृह विज्ञान के माध्यम से ही परिवार में हम किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करते हैं। और जैसे है हम परिवार में है कोई भी समस्या आ जाती है तो पूरी परिवार भी क्या करती है एक दूसरे के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान निकाल लेते हैं और हमारा परिवार क्या होता है सुखमय जीवन यापन करना शुरू कर देता है। फिर है गृह विज्ञान के उद्देश्य, गृह विज्ञान एक व्यावहारिक विषय है जिसकी हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगिता है। गृह विज्ञान विषय का प्रमुख उद्देश्य घर के लोगों के जीवन को सुव्यवस्थित आनंदमय तथा उन्नतशील बनाना है। गृह विज्ञान एक व्यावहारिक विषय है, गृह विज्ञान एक क्या है व्यावहारिक विषय जिसकी हमारे जीवन में अत्यधिक क्या है उपयोगिता है। गृह विज्ञान विषय का प्रमुख उद्देश्य घर के लोगों के जीवन को सुव्यवस्थित आनंदमय तथा उन्नतशील बनाना है, जिसके माध्यम से हम जैसे है कि घर हमारा क्या होता है एक केंद्र एक विद्यालय है, प्राथमिक चीज़ हमारी क्या है विद्यालय है। अपने घर से ही हम लोग क्या करते हैं सभी सदस्यों की आवश्यकताएं इच्छाएं किसके माध्यम से हमारे परिवार के माध्यम से ही पूरी होती है। और आज जब मनुष्य की दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे हम लोग परिवार में हैं तो क्या कर व्यक्ति की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और उन मनुष्य का जीवन हर पल जटिल बनता जा रहा है। जैसे वह मनुष्य का जीवन हमेशा क्या जटिल बनता जा रहा है, जैसे है कि पूरी मतलब कि ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी कि उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं दबी रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में गृह विज्ञान मनुष्य को उनकी जटिलताओं से दूर में सहायक बनकर सुखी व उत्तम जीवन की राह दिखाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत घर परिवार से संबंधित विभिन्न विषयों का विधिवत अध्ययन किया जाता है। जैसे है कि हम अगर गृह परिवार में हैं तो व्यक्ति को किस प्रकार कैसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है कब आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ की व्यवस्था उसके परिवार में मिलती है। जैसे है कि अगर हम आज एक गृहिणी है, मान लीजिए एक गृहिणी है घर के कार्य को आसानी से कर लेती है, लेकिन फिर भी उसको यह रहता है कि किस कार्य को आसानी से और सही तरीके से करना चाहिए, वह एक गृहिणी को ही पता रहता है। इसमें है गृह विज्ञान के उद्देश्य में हम अब हेडिंग है हमारा कि गृह विज्ञान के उद्देश्य के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन निम्नलिखित है। इसमें है पहला हेडिंग हमारा है कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। इसमें है घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने में उचित गृह व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। घर के सभी कार्यों को जैसे है घर के सभी कार्य जो भी कार्य हम लोग करते हैं उसको क्या करते हैं कुशलतापूर्वक उचित ढंग से गृह व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उसी में फिर है गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार में उपलब्ध साधनों के द्वारा उचित नियोजन नियंत्रण तथा मूल्यांकन के आधार पर परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योग्यता गृहिणी में गृह विज्ञान के द्वारा ही आती है। जैसे है परिवार में अगर गृहिणी है एक कुशल गृहिणी जैसे है घर को चलाती है तो क्या करती है वह उसको जैसे है कि किस कहाँ पे पैसा कैसे खर्च करना है किस तरीके से खर्च करना है
वह परिवार के सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिसे है व्यक्ति हर परिवार जिसे परिवार में है व्यक्ति तो उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी इच्छाओं को वह क्या करते हैं, वह पूरा करते हैं। फिर है अगला है हमारा हेडिंग है गृह कार्यों में समय श्रम तथा धन की बचत। ये इसमें है देखिए गृह विज्ञान में घर परिवार के समस्त कार्यों को अध्ययन किया जाता है। जैसे है आज गृहिणी के पास काम अधिक व समय की कमी है। आजकल गृहिणियों को घर में के कार्यों के अतिरिक्त बाहर के कामों में भी काम करने पड़ते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत उन घरेलू उपकरणों का जैसे है कि आज हम लोग घर में कोई कार्य करते हैं तो कर रहे हैं तो वह भी क्या है विद्युत उपकरण जैसे है कपड़ा धोते हैं हम लोग मशीन है, फिर भोजन पकाते हैं कुकर हो गया जल्दी है, फिर गैस चूल्हा हो, इन सारे उपकरणों को ये सब क्या है हमारे समय व श्रम की बचत होती है। जैसे है एक गृहिणी क्या करती है घर के कार्यों के साथ साथ वह बाहर के कार्यों को भी देख रही है। इससे क्या होता है इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए गृहिणी घर के कार्यों के साथ साथ बाहर के कार्यों को भी क्या करती है आसानी से देख लेती है। फिर है तीसरा हमारा हेडिंग है मातृकला एवं शिशु पालन का ज्ञान। जिसे मातृकला एवं शिशु पालन विषय के अंतर्गत माता एवं शिशु के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। जैसे एक माता को एक शिशु को कैसे पाला जाता है, किस प्रकार उसका पालन किया जाता है, उसकी जानकारी उसे दी जाती है। गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की देखभाल इसमें है कि एक गर्भवती स्त्री की हम लोग किस तरीके से कैसे देखभाल करते हैं और उसे कैसे देखभाल करना चाहिए, उसको कैसा भोजन देना चाहिए, उसे व्यायाम करना चाहिए, उसे कब विश्राम करना चाहिए, और गर्भ के समय लगने वाले टीकों का भी जैसे गर्भ में अगर बच्चा है तो उसको कौन कौन से टीके किस कब कब और कैसे लगाया जाता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान उसे मातृकला एवं शिशुपालन के अंतर्गत सिखाया जाता है। फिर है परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना। इसमें है परिवार के सदस्यों के साथ कुशल गृह संचालन। एक कुशल गृहिणी घर का वातावरण सुखद एवं स्नेह बनता है। घर के गृह विज्ञान के घर के सदस्यों के बीच प्रेम सहयोग एवं त्याग की भावना पैदा करता है। जैसे है परिवार में अगर व्यक्ति रह रहा है एक दूसरे जैसे सदस्य हैं एक दूसरे के क्या करते हैं बीच प्रेम और सहयोग की भावना हमेशा रहती है। जैसे है कोई भी कार्य करते हैं हम लोग परिवार में हैं तो सभी सदस्य क्या करते हैं एक साथ मिल के कार्य कर जैसे औरतें हैं अगर मिल के घर का कार्य कर लेती हैं तो उनमें भी क्या होता है आपसी संबंध और प्रेम बना रहता है। फिर है हमारा है कि उसमें अगर पारिवारिक संबंधों के विषय में उदारता एवं सम्मान की भावना के साथ साथ समाज में मधुर संबंध बनाने तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का भी ज्ञान कराता है। जैसे है कि अगर हम लोग मान लीजिए समाज में हैं उसके विषय मतलब कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन समाज में जा रहे हैं तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों का क्या होता है परिवार के माध्यम से ही हमारे अंदर सारी गुण आते हैं। फिर हमारा अगला हेडिंग है कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना। इसमें है सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। जिसे है इसमें है कला और इसमें हेडिंग ध्यान से पहले देखिए कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना। सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। जैसे है कि अगर मान लीजिए हमारा घर हम ये घर बना रहे हैं अगर घर को सजाना है तो किस तरीके से हमारे अंदर कला है तभी ना हम सोच रहे हैं कि इस तरीके से अपने घर को सजाएंगे तो हमारा घर देखने में सुंदर लगेगा। जैसे है ढंग से सजा हुआ घर जिसे अगर घर हमारा सज गया है अगर उसको हम अच्छे से साफ सफाई कर लिए हैं उसमें झाड़ू पोछा लगा दिए हैं
सब कुछ अपने रूम में कर दिए हैं, तो क्या होता है, वह हमारा घर क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है। वह व्यक्ति भी क्या सोचता है, नहीं देखिए आज घर कितना अच्छा लग रहा है। गृह विज्ञान के सभी कार्य जैसे भोजन पकाना, सिलाई कढ़ाई, बुनाई धुलाई, कला को सुंदरता से संपन्न करना सिखाता है। जैसे है कि हम लोग गृह विज्ञान के माध्यम से ही क्या करते हैं, भोजन, अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं, सिलाई का ज्ञान हो जाता है, कढ़ाई भी बुनाई भी, हर चीज़ का ज्ञान हमको किसके माध्यम से हो जाता है, गृह विज्ञान के माध्यम से। गृह विज्ञान की देन है कि आज हम लोग सारे कार्य को आसानी से और सरल तरीके से कर लेते हैं। ठीक, इतना आज हम बता चुके हैं, फिर इसके बाद अगला चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक।